अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सैलाब से बचने के लिए डैम और जंगलात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कालाबाग डैम बन जाए तो क्या होगा? 36,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिसकी लागत शुरू के चंद साल 4 रुपये पर यूनिट होगी। इसके बाद ये कीमत आधी हो जाएगी, यानी कि 2 रुपये पर यूनिट। चारों सूबों में 1,25,00,000 एकड़ बंजर अराजी सैराब होगी, जिसकी तफसील ये है। खैबर पख्तूनख्वा 30,00,000, सिंध 36,00,000, बलूचिस्तान 16,00,000 और पंजाब 43,00,000 एकड़। पूरे पाकिस्तान में आने वाले तोगयानियों के से होने वाले नुकसान आधे हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कुछ सियासतदान, यानी कि गंदे सियासतदान, मैं उनको सियासतदान नहीं बोलूँगा, गंदे सियासतदान इस पे तराज करते हैं। इनके ये तराज मनफी हैं। ये भारत का के पालतू कुत्ते हैं। ये पाकिस्तान को कभी भी खुशहाल नहीं देखना चाहते। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कालाबाग डैम की खसूसी लोकेशन के वाइस आबी ज़खायर के लिए मौजू तरीन जगह है। अगर आप कालाबाग डैम बनाने के हक में हैं तो पाकिस्तान के खैर ख़्वाह हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिसने ये डैम पाकिस्तान में बनाए, मोहसिन पाकिस्तान अयूब खान को सलाम पेश करते हैं और इनके अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाया।